इस समय मेरे साथ है बिग बॉस ओटीटी 3 के कॉन्टेस्टेंट साई केतन राव। साई, जब भी मैं मतलब मुझे नाम बोल रही थी, मुझे लगता है कितना भारी भरकम सा नाम है, पर्सनालिटी इतनी, मतलब पहले से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि साई केतन राव हाजिर हो। इसकी एक कहानी है साई केतन राव के पीछे। बेसिकली मेरा जो ओरिजिनल नेम है एज पर द डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, इट इज़ साई केतन खड़से। लेकिन मैं अपने नाना से, मतलब माय मैटरनल ग्रैंडफादर जो मेरी मॉम के फादर हैं, उनसे मैं बहुत क्लोज था, क्योंकि मेरी मॉम शी इज़ अ सिंगल मदर और उन्होंने मुझे, शी हैज़ गॉट मी टू दिस लेवल, उन्होंने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। इनफैक्ट शी इज़ अ इंडिपेंडेंट लेडी, शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी एंड आई हैव माई सिस्टर ऑल्सो। तो मम्मी ने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ाई करवाई है, पूरी पढ़ाई करवाई है। एंड देन आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड फादर। सो मेरे जो ग्रैंड फादर है, हिज नेम इज़ डॉक्टर एस वी नागेश्वर राव। ओह यस। सो अनफॉर्चुनेटली इन 2016 उनको पैनक्रेटिक कैंसर हुआ था एंड देन ही पास्ड ऑन, ही एक्सपायर हो गया इन 2016 एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, क्योंकि बचपन से मैं उनके साथ ही हूँ, मैं अपने नाना नानी के साथ ही हूँ। सो मैंने सोचा कि उस दिन मैं उनका जो नाम है डॉक्टर एस वी नागेश्वर राव, तो राव मैं अपने नाम में लगा लूंगा। एटलीस्ट मैटरनल लीगेसी को आगे बढ़ाया। वाओ, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन बिकॉज आई लव दैट पर्सन। ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, ही इज अ डॉक्टर एंड ही यूज टू वर्क इन सेंट्रल रेलवेज। सो मैंने सोचा कि मैंने नानी को बोला कि नानी, मैं अपना नाम साई केतन राव रखना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन। सो एवरीवन वाज हैप्पी। वाओ, सच में बहुत ही खूबसूरत बात है। साई, जाने से पहले सबसे ज़्यादा नर्वस कौन है आपके अलावा घर, मतलब जा रहे हैं मम्मी तो होंगी कि शायद ना, सब लोग नर्वस हैं, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मैं, सब लोग नर्वस हैं, क्योंकि किसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं बिग बॉस जाऊँगा। इनफैक्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं हाँ कह दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ तो अलग करूँ इस बार। इतने सारे किरदार मैंने निभाए, इतने सारे रोल्स मैंने किया और काफ़ी प्यार मिला मुझे, लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने एज अ पर्सन, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो कोई मुझे अगर पहचानता तो बोलता है कि वो मैं कैरेक्टर का नाम लेता। Yes. अच्छा, आप वही हो ना जो आपने वो सीरियल में प्ले किया था, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका एक्टिंग वगैरह। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। आई थिंक बिग बॉस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जो नए नए टैलेंट्स को बाहर लेकर आता है और टैलेंट्स को सपोर्ट भी करता है। इट्स नॉट ओनली कॉन्ट्रोवर्शियल शो जो बोलते हैं बाहर, इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन टैलेंट को भी सपोर्ट करता है बिग बॉस। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, मे बी वो एक्टर के लिए हो या इन्फ्लुएंसर के लिए हो, यूट्यूबर के लिए हो या कोई भी पब्लिक फिगर के लिए हो। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नया रोल, एक नया एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ में, और ये एक्सपेरिमेंट मेरे आसपास के लोगों के लिए भी है, जैसे कि मेरी फैमिली के लिए, मेरे फैंस के लिए, कि वो लोग भी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि साई को देखें कि उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी क्या है। एग्जैक्टली। किसी चीज़ से जाने से पहले ही डर लग रहा है, एक ना खुद की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जैसे ये किए बिना मुझे मतलब नींद नहीं आ सकती। कुछ ऐसा होता ही है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बांध रही थी जाने से? मुझे ना डर है, जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ, अगर मैं किसी कैरेक्टर को लेकर आता हूँ ना, तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं खुद आता हूँ कैमरा के सामने, जैसे कि साई केतन राव अगर खुद कैमरा के सामने आता है, आई बिकम, थोड़ा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, काफ़ी कॉन्शियस हो जाता हूँ, और ये मेरी बचपन से आदत है मेरी। तो मैं खुद को कैसे सामने लेकर आऊँ कैमरा के सामने, ये मैं खुद से मैं टैकल करना चाहता हूँ, खुद से मैं लड़ना चाहता हूँ। कैमरे होंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं, और थोड़े घंटे के बाद आप भूल जाएंगे कि कैमरे भी है। तो इसलिए मैं भूलना चाहता हूँ, और मैं खुद को बस छोड़ना चाहता हूँ गेम में। OTT ना एक्चुअली पिछले साल से इमेज ऐसी बन गई कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फेमस हो उनको इनवाइट किया जाता है, और जैसे वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला, विशाल पांडे, ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया स्टार्स हैं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा ही पैटर्न रहा, तो ऐसा ना हो कि आप एक टीवी स्टार हैं, आप एक अपनी लेगेसी के साथ जा रहे हैं, तो कहीं वो चीज़ दिमाग में थी? मुझे ना ऐसा कुछ ले, मतलब इनका ज़्यादा है मेरा कम है, मेरा ज़्यादा है उनका कम है, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ। इफ़ दैट पर्सन इज़ रियली डिज़र्विंग, तो शायद उनको बुलाया जाएगा, और किसी की अगर फ़ैन फॉलोइंग सच में ज़्यादा है, सच में अगर ऑनेस्टली ज़्यादा है, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अगर डॉली चाय वाला है, तो उसके पास बिल गेट्स आया था, बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली रेस्पेक्ट दैट थिंग कि मतलब बिल गेट्स वहाँ आकर उसने चाय पी, तो इट्स अ गुड थिंग। सो आई रियली रेस्पेक्ट अगर कोई कहाँ तक पहुँचा है अपने लाइफ में,
चाहे वो एक्टिंग की है या नहीं की है, या बस बड़ा पाव बेच रही है या चाय बेच रही है, आई रियली रेस्पेक्ट दैट पर्सन। कौन किसका गेम आपको अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आया? अगर आपने बिग बॉस और ओटीटी दोनों देखे हैं तो देखे हैं शोज पहले? मैंने सारे, कोई भी शो ना बिग बॉस के सीज़न मैंने स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखा, मैंने बस एपिसोड देखे। तो मैं, मुझे सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी पसंद आया, ही हैज़ अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ यहाँ नहीं है, बट ही हैज़ डन अ फंटास्टिक जॉब। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगी, या उनको जिस तरीके से उसने जो सिचुएशन से जो हैंडल करनी चाहिए तो उसने अच्छे से हैंडल किया। और ओटीटी में, ओटीटी में रिसेंटली जो अभी मैंने देखा था अबाउट फुकरा इंसान, फुकरा इंसान ने भी काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। लोगों ने तो ये भी बोला था कि फुकरा ज़्यादा डिजर्विंग था, एल्विश नहीं। फुकरा भी ऑफकोर्स, अभी एल्विश ने भी काफ़ी मेहनत की है, एंड एल्विश तो बीच में आया था, सो शायद लोगों को ऐसा लगता होगा, बट देखते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी, तुम जितना काम करते हो अंदर उतना उसके ऊपर डिपेंड करता है। शो में लव एंगल भी चलता है, तो आप इस सबके लिए ओपन हैं? हालांकि बाहर कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लोग आपका नाम शिवानी के साथ जोड़ते हैं। इट्स शिवांगी बाय द वे, सॉरी शिवांगी। एंड मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता कि अगर किसी शो में, किसी शो के लिए मुझे अगर प्यार करना पड़े या किसी और को मुझसे करना पड़े, मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। अनिल सर से कितनी एक्सपेक्टेशन है? सलमान सर की जगह अनिल सर होस्ट कर रहे हैं, ही विल बी अ फैंटास्टिक होस्ट यार। उनका एक अपना एक स्वैग है, उनका एक करिश्मा है, एक झकास वाला एटीट्यूड है, अच्छी बात है। सो आई थिंक इट विल बी अ सरप्राइज पैकेज एंड ही विल डू हिज बेस्ट फॉर होस्टिंग बिग बॉस ओटीटी। थैंक यू। जाने से पहले आपके फैंस को कुछ कहेंगे? ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारे सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और वोट करते जाना। आई विल सी यू सून। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ तो वोट देंगी, आप पे क्रश है बहुत लड़कियों का, राइट? यस है, मैं चाहता हूँ कि सारे घर वाले, इनफैक्ट सारे लोग मुझे वोट करें। एंड इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखना चाहता हूँ, तो जितनी सच पर्सनैलिटी मैं सामने रखूँगा तो लोगों को पसंद आएगा, तो मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।